नमस्कार मैं संदीप नौखवाले सभी दर्शकों का आईच पी एन ट्वेंटी फोर न्यूज़ में स्वागत करता हूं जेज क्या राजस्थान और हरियाणा के अंदर क्या अपना प्रथम लड़ा पाएगी जेजपी पार्टी हरियाणी हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्य चौटाला राजस्थान के अंदर तैयारियों में जुट चुके हैं क्या वो राजस्थान के अंदर या क्या और राजस्थान की राजनीति में हरियाणा की राजनीति की ट्रैकिंग में कर बन पाएंगे काफ़ी बड़ा सवाल जनता के यहाँ पर चेहरों से झलक रहा है इसी बीच आपको बता दें कि जेजेपी पार्टी राजस्थान के अंदर बड़ी ही जोर शोर से तैयारियां कर रही है पीछे कल ही जनसभा हुई थी और ऐसे में बीजेपी की टेंशन बढ़ाने के लिए जेज कई सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है क्या जेजेपी चुनाव लड़ने का दावा इसलिए कर रही है क्या बीजेपी के साथ पहले से गठबंधन हो जाए या बीजेपी जो है जेजेपी की कदर करे या जेजेपी बीजेपी की सहयोगी बन पाए आपको बता दें कि पी पच्चीस सितंबर को सिक्र में चौधरी देवीलाल की दसवीं जयंती मनाएगी आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी भारतीय जनता पार्टी को अपनी सहयोगी जननायक जनता पार्टी से ही झटका लग सकता है हरियाणा में बीजेपी जेज के साथ ही सरकार में है पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम है अब उनके एक दावे से खलबली मच गई है दरअसल राजस्थान में कार्यक्रम के दौरान दुष्यंत ने दावा किया कि आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में पार्टी चुनाव लड़ेगी इतना ही नहीं दुष्यंत तो ने राजस्थान की पच्चीस से तीस सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर पिछले पाँच वर्षो से राज्य को लूटने का आरोप लगाया सिक्कर में चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई जाएगी वहीं पर जेजीपी पूरी तैयारी कर रही है कि 25 सितंबर को सिक्कर के अंदर चौधरी देवीलाल जयंती मनाई जाए आपको बता दें कि पिछले दिनों अजय सिंह चौटाला दंतारामगढ़ से जीते थे जबकि चौधरी देवीलाल सिक्कर से लोकसभा चुनाव जीते थे आज उनके क्षेत्रों के लोग उत्साहपूर्ण हमारे साथ जुड़ रहे हैं पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि जेजेपी पच्चीस सितंबर को सीकर में चौधरी देवीलाल की एक जयंती मनाएगी राज्य में फिलहाल कांग्रेस की सरकार एक और जहां भारतीय जनता पार्टी की वापसी को लेकर पूरा जोर लगा रही है वही तो कांग्रेस राज नहीं रिवाज बदलने की कोशिश में है यानी यहां पर बीजेपी की काटना करते हुए जे पार्टी जो 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है वो एज ए किंग मेकर बनना चाहती है जे की राजस्थान के अंदर भी वो किंग मेकर बन पाए यानी पूरी कोशिशों में है कि बीजेपी उसका हाथ पकड़ ले क्योंकि आपको बता दें कि अगर आप सुनेंगे जनता की परिभाषा तो जनता की परिभाषा तो कुछ और ही है हरियाणा के अंदर सुनने को मिलता है कि अब जे में वो दम नहीं है तो दो के अंदर होता था राजस्थान में लोग कह रहे हैं कि ये एक जो हवा है ये बी मतलब की हवा है जो दुष्न चौटाला राजस्थान के अंदर फैला रहे हैं ऐसे में कितनी सीटें निकाल पाएगी जे जे पार्टी क्या बीजेपी पार्टी डर के मारे क्या जे का हाथ चुनाव से पहले ही थाम लेगी या चुनाव के बाद हरियाणा के अंदर भी जे या बीजेपी पार्टी हरियाणा के अंदर जे को अलग कर देगी होना दो ही चीजें या तो बीजेपी जे का हाथ थाम लेगी राजस्थान के अंदर भी या हरियाणा के अंदर भी बीजेपी जे का हाथ छोड़ देगी यानी ये गठबंधन टूट जाएगा इसकी चर्चाएँ पहले से चल रही है लेकिन कोई भी स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से नहीं आ रही है गठबंधन को लेकर के गठबंधन कब तक चलेगा कहाँ तक चलेगा कैसे चलेगा कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है तो ऐसे में बड़ा सवाल या हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दूसुंध चौटाला या जे पार्टी क्या कोई नया खेल खेल रही है लेकिन राजस्थान के अंदर इसका प्रभाव पड़ सकता है इसका प्रभाव बीजेपी पर पड़ सकता है हरियाणा के अंदर भी जे का प्रभाव बीजेपी पर पड़ा था क्योंकि जेज ने जब दस सीटें निकाली तो बीजेपी की सीटें कम हो गई थी पूर्ण बहुमत में बीजेपी नहीं आ पाई थी ऐसा शायद राजस्थान के अंदर भी हो सकता है इसको लेकर आपका क्या सोचना है आप कमेंट जरूर करें बने रहिएगा ट्वेंटी फोर न्यूज़ को लेकर जुड़े रहिएगा और राजस्थान की राजनीति में जे कितना आगे बढ़ सकती है इसके बारे में जरूर लिखें अगर हमारी माने तो जे जो पच्चीस से तीस सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है तो राजस्थान के अंदर कम से कम चार से पाँच सीटेजेज भी जरूर निकाल सकती है यही हमारे ओपनर पोल कहते हैं आप अपनी राय जरूर कमेंट करिए जरूर लिखें बने रहिएगा एच वीन न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा जय हिंद